नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने संसद में कुछ शब्दों को असंसदीय भाषा करार देते हुए उन्हें रिकॉर्ड में नहीं रखने को कहा है। उस पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने तीखा हमला बोला है। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके लिखा कि कुछ दिनों में सत्र शुरू हो रहा है, सांसदों को चुप रहने के लिए निर्देश जारी किया गया है। अब हमें संसद में भाषण के दौरान कुछ शब्दों के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। अशेम्ड, बिट्रेड, करप्ट, हिपोक्रेसी, इनकम्पिटेंट जैसे शब्द असंसदीय शब्द हैं। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, मुझे बर्खास्त कर दीजिए, मैं लोकतंत्र के लिए लड़ूंगा। वीआईपी नेता और बिहार सरकार की पूर्व मंत्री रमई राम का निधन हो गया है। रमई राम का निधन पटना के मेदांता अस्पताल में हुआ। बताया जा रहा है कि वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे और पटना स्थित मेदांता अस्पताल में इलाजरत थे। रमई राम मुजफ्फरपुर के बोचहा से 9 बार विधायक चुने गए थे। वे लालू और नीतीश दोनों सरकार में मंत्री पद संभाल चुके थे। नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने शायराना अंदाज में केंद्र की मोदी सरकार पर वार किया। मनीष तिवारी ने कहा कि जब शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश की जाती है तो एक ही चीज होती है कि जंजीर टूट जाती है। बता दें कि विपक्ष ने सरकार पर शेरों के स्वरूप को बदलकर इसे बिगाड़ने का आरोप लगाया है। पटना पुलिस ने बुधवार को फुलवारी शरीफ से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। बताया जा रहा है कि इसमें से एक CIMI आतंकी संगठन का सदस्य रह चुका है, जबकि दूसरा झारखंड पुलिस से सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित विदेशी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इन दोनों के तार कई देशों से जुड़े हैं। इन लोगों का मकसद था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले एक्टर कमाल आर खान ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी धर्म के लोग वहां ना जाए, वहां जाने से कुछ नहीं होगा, जिसके बाद तमाम यूजर्स ने उनकी खिंचाई करनी शुरू कर दी है। KRK ने लिखा कि मैं सभी धर्म के लोगों से अजमेर शरीफ दरगाह पर जाना बंद करने का अनुरोध करता हूँ। मेरा विश्वास करो, जाने और ना जाने से कुछ नहीं बदलता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी संख्या में नेता व कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। भागलपुर में जदयू में बड़ी टूट होने की खबर आ रही है। 201 जदयू कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में अपनी आस्था जताई है। सभी ने एक स्वर में कहा कि देश को भाजपा और नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। चिदंबरम ने कहा कि हमें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है कि महंगाई दर जब 7.01 पर पहुंच गई है, बेरोजगारी दर 7.8% तक पहुंच गई है, तो वित्त मंत्री ने जुपिटर, प्लूटो और यूरेनस की तस्वीरों को शेयर किया है। दरअसल निर्मला सीतारमण ने 12 जुलाई को नासा की तस्वीरों को शेयर किया था, जिसके बाद बीते दिन कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा था कि वित्त मंत्री देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बजाय यूरेनस और प्लूटो में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। नालंदा जिले के मेघी गांव निवासी स्वर्गीय नंदकिशोर प्रसाद की बेटी अर्पणा सिन्हा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिछले 26 जून 2022 से पूरे बिहार के भ्रमण पर निकले हैं। साइकिल द्वारा अपने जिला नालंदा से निकलकर वो विभिन्न जिलों में होते हुए 24वें दिन गोपालगंज पहुंची। इस दौरान महिला हेल्पलाइन और वन स्टेप की निदेशक नाजिया परवीन द्वारा उन्हें बुके देकर सम्मानित किया गया, साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ पार्टी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ 21 जुलाई को कांग्रेस करने वाली है। बता दें कि सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। ईडी की ओर से इस मामले में राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा गया था। बिहार का सुल्तानगंज बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष से गूंजने लगा है। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सके, इसको लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। करीब एक माह तक चलने वाले इस श्रावणी मेले में बिहार और झारखंड से ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। सप्ताह के हर शुक्रवार को बड़े पर्दे और OTP पर लेटेस्ट फिल्म वेब सीरीज रिलीज होती रहती है। शुक्रवार यानी कि 15 जुलाई को भी 3 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। इनमें एक तापसी पन्नू स्टारर मिताली राज की बायोपिक मूवी शाबाश मिट्टू है, दूसरा राजकुमार राव की फिल्म हिट द फर्स्ट केस है, तो वहीं तीसरा रामगोपाल वर्मा निर्देशित फिल्म लड़की रिलीज हो रही है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की फिटनेस की तस्वीरें वायरल हो रही है। 49 साल की उम्र में भी सचिन के फिटनेस और उनके लुक्स का जवाब नहीं है। वह आज भी काफी यंग और हैंडसम लगते हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह स्कॉटलैंड में छुट्टियां मनाते नजर आ रहे हैं।
सपा विधायक शिवपाल यादव ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अभी तक राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने के लिए पूछा तक नहीं गया, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का मन बना लिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि वह 2 महीने के अंदर देश प्रदेश में अपने संगठन को दोबारा से सक्रिय करेंगे। महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर का उपयोग करके पहली बार रूस की ट्रेन अपने दोस्त भारत के लिए माल लेकर ईरान पहुंच गई है। इस दौरान ट्रेन ने कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए लगभग 3,800 किलोमीटर की यात्रा तय की है। ईरानी मीडिया की खबर के अनुसार 39 फ्रेट कंटेनरों के साथ ट्रेन ने तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर सरखास स्टेशन के जरिए मंगलवार को ईरान में प्रवेश किया। आपको बता दें कि INSTC 7,200 किलोमीटर लंबी बहुविध वाहनिक परियोजना है, जिससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के लिए माल भेजा जा सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा अपने कैडर से जुड़े किसी वरिष्ठ नेता को खड़ा कर सकती है। सामाजिक व क्षेत्र संतुलन को देखते हुए पश्चिम या उत्तर भारत के नेता पर दाव लगाया जा सकता है। उम्मीदवार को लेकर भाजपा नेतृत्व 1-2 दिन में अपने सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श करेगा। इसके बाद पार्टी एनडीए के उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। साल 2022 की पहले छमाही में सबसे शानदार 10 फिल्मों की लिस्ट चौंकाने वाली है। IMDb रेटिंग में टॉप 10 से द कश्मीर फाइल्स बाहर हो गई है। यही नहीं, बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 में टॉप 10 इंडियन मूवीज 2022 की लिस्ट में 6 नंबर पर है। IMDb पर मीटिंग के लिए आपसे नंबर 1 की पोजिशन पर आर माधवन की फिल्म रॉक के ट्री द नंबी इफेक्ट 9.3 रेटिंग के साथ बनी है। संसद में भ्रष्ट जुमला जीवी जैसे कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अनपार्लियामेंट्री की डिक्शनरी मीनिंग को शेयर किया और साथ ही कैप्शन में दिया कि नए भारत के लिए नया शब्द। इस ट्वीट को 12,000 से ज्यादा लाइक भी मिल चुके हैं। पंजाब के मशहूर सिंगर काका आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। साल 2019 में YouTube पर रिलीज हुआ उनका गाना सुरमा काफी पसंद किया गया। इस गाने ने धुआंधार व्यूज बटोरे और इसके साथ ही काका भी रातों रात स्टार बन गया है। इस गाने के बाद से काका लगातार छाए हुए हैं। फिलहाल उनका एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऑटो रिक्शा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर उनके फैंस जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसंख्या के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि हमें चीन की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। मैं ऐसे में किसी भी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जो 2 बच्चों के लिए केवल नीति को अनिवार्य करे, क्योंकि इससे देश को कोई लाभ नहीं होगा। भारत की कुल प्रजनन दर घट रही है, 2030 तक यह स्थिर हो जाएगी। ओवैसी ने कहा कि अगर भारत सरकार 2 बच्चों का मानदंड का बिल लाएगी तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बुधवार को अपने असम दौरे पर CAA NRC पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो CAA NRC कानून लागू नहीं होने दूंगा। सिन्हा ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत के संविधान को बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों से खतरा है। CAA NRC कानून मोदी सरकार की मूर्खतापूर्ण नीतियों में से एक है। इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से लागू किया गया है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। अगर आपको भी फ्लाइट से सफर करना पसंद है तो इस खबर से अपडेट रहना आपका जरूरी है, क्योंकि DGCA की तरह से हवाई सफर के नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए नियम के तहत दिव्यांग यात्री फ्लाइट से सफर करने के लिए फिट है या फिर नहीं, यह एयरलाइन कंपनियां तय नहीं करेंगी बल्कि डॉक्टर इस पर निर्णय देंगे। यदि डॉक्टर टेस्ट में कोई उचित कारण बताकर फ्लाइट में चढ़ने के लिए मना करते हैं तो तभी उस इंसान को फ्लाइट से सफर करने से मना कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए वाहन ईंधन के दाम को कम कर दिए हैं। बता दें कि शिंदे सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये कम करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। हालांकि इसके चलते सरकार पर 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ जाएगा। शिंदे सरकार द्वारा वैट कम किए जाने के बाद अब शहर में पेट्रोल 106.35 रुपये और डीजल 94.28 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC का पायलट चरण सफल रहने के बाद अब धीरे धीरे इसका और शहरों तक विस्तार किया जाएगा। ONDC का 5 शहरों में प्रायोगिक चरण चल रहा है और यह सफल रहा है। गोयल से पूछा गया कि क्या उनकी योजना इसका विस्तार अन्य शहरों तक करने की है, तो इस पर मंत्री ने कहा कि बिल्कुल है।
राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए अपनी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त है। ऐसे में जैसे ही जीत का ऐलान होगा वैसे ही भाजपा पूरे देश में जश्न को मनाएगी। खासतौर पर आदिवासी समुदाय के देश भर के करीब 1,30,000 गाँव में भव्य जश्न मनाने के निर्देश भाजपा आलाकमान ने दिए हैं। इसके साथ ही देश के हर मंडल में भी द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न भाजपा मनाएगी। करीब 15,000 मंडल में भाजपा जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। बूस्टर डोज को एक चौंका देने वाले सरकारी आंकड़े सामने आए हैं, जिसका खुलासा खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग 92% आबादी ऐसी है जिनको अभी कोविड वैक्सीनेशन का डोज नहीं लगा है। इस डाटा के बाद ही बुधवार को राष्ट्रीय 75 दिवसीय फ्री टीकाकरण की घोषणा की गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग बूस्टर डोज लगवाकर सुरक्षित हो सके। ब्रिटिश संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है। ब्रिटिश संसद ने सौरव गांगुली को 13 जुलाई 2022 को यह सम्मान दिया। खास बात यह है कि सौरव गांगुली ने इसी तारीख को 20 साल पहले यानी कि 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स की बालकनी से टी शर्ट लहराई थी। 17 जुलाई को देश भर में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट 2022 में भाग लेने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। हॉस्पिटैलिटी टेक फर्म ओयो ने कहा है कि वह इस परीक्षा में भाग लेने वाली महिला कैंडिडेट्स को होटल कमरे के किराए में 60% छूट देगा। यह छूट 16 और 17 जुलाई को दी जाएगी। देश भर के 497 शहरों में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में करीब 18 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और फॉर्म में चल रहे एचएस प्रणय का सिंगापुर ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी है। दोनों ने ही अपने अपने ग्रुप मुकाबले में जीत कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना लिया है। पीवी सिंधु ने वियतनाम की हुई ली एंगुएन को हराया। केरल में संयुक्त अरब अमीरात से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की जानकारी वहां की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने दी। कहा जा रहा है कि वो 3 दिन पहले यूएई से लौटा है। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद से उसके सैंपल को जाँच के लिए भेजा गया है। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। पश्चिम रेलवे के रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट उम्मीदवारों से एनटीपीसी में 121 पदों पर भर्तियां पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था। आप सभी का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने हमें कमेंट करके जवाब दिया उनके नाम है आलोक कुमार, नूनू कुमार, रामाशीष पासवान, पेतोप ड्रीम टीम, हैरखे कुमार, तिवारी, बघेल गजरिया, एम टू क्रिएटर, सिद्धार्थ कुमार, दीपक कुमार, जवाहर सिंह, शैलेश कुमार, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार, आर्यावर्त, सदीक अख्तर। आप यूं ही हमारे सवालों का जवाब कमेंट में देते रहें, हम हर वीडियो में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपने अब तक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवाया है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दें। साथ ही देश दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।